आज हम खड़े हैं शंक्यारी में। शंक्यारी का जो टी रिसर्च स्टेशन है, या आप कह लें हाई वैल्यू क्राप्स का जो रिसर्च स्टेशन है, पीआरसी का ये जैली अदारा है, उसमें खड़े हैं। हमारे पीछे सारी आप कह लें कि चाय लगी हुई है। चाय दुनिया में कोई इसकी हिस्ट्री मिलती है 5000 साल पुरानी। सबसे पहले चाइनीज़ ने पीनी शुरू की, फिर जब अंग्रेज़ आए इधर, यूरोपियन आए चाइना में, तो उन्होंने वहाँ चाय देखी, तो इंडिया में चाय अंग्रेज़ लेके आए थे, ये चाइना से लेके आए। और जो इस वक्त यहाँ पे हमारे यहाँ चाय है, आप कह लें चाइना में चाय है, चाइना वाली चाय जो है ये आप कह लें कि छोटे पत्ते इसके होते हैं, 0 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हो सकती है, और ये नॉर्मली ग्रीन टी इसको कहते हैं, ग्रीन टी के तौर पर लेते हैं। इसी चाय को, इसके दो तरीके होते हैं प्रोसेस के। ओरिजिनली चाय एक होती है, प्रोसेसिंग करके उसको दो तरीके बनते हैं। एक जो ब्लैक टी है उसको फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करके उसका रंग जो है ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है तो वो देते हैं। दूसरा तरीका जो उसको ऐसा ड्राई करते हैं, ड्राई करके क्रश कर लेते हैं, या उसको आप पहले महफूज कर लेते हैं, लिहाजा वो ओरिजिनल चाय होती है, वो उसमें फर्मेंटेशन नहीं होती, वो ग्रीन टी ग्रीन कलर होता है, या उसका येलो कलर होता है, या वाइट कलर, वाइट टी भी होती है। सो दो तीन किस्म की होती है ये। सो इस वक्त हम तकरीबन कुछ 3 लाख टन चाय इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आप कह लें कि जो लीगल सोर्सेज हैं, जो इलीगल सोर्सेज हैं, जो आप कह लें कि यू कैन से स्मगल होती है, वो इसके अलावा है। ये हम तकरीबन कुछ 90 अरब रुपए की चाय लीगली इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से हम सिर्फ 1 अरब रुपए की ग्रीन टी इंपोर्ट करते हैं, और 89 अरब बिलियन रुपीज़ की हम ब्लैक टी इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रीन टी है ये ज़्यादा हाई क्वालिटी है। इस वक्त अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में 600 वैरायटी है, 600 वैरायटी ग्रीन टी की है। सबसे बड़ी नेशन चाय पीने वाली, चाय के प्रोड्यूसर दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ, चाय जो है वो 600 वैरायटी उनके पास। बाकी इसके अलावा दुनिया में आप कह लें कि ग्रीन टी और ब्लैक टी को 58 मुल्कों में इस वक्त होती है। हम 15 मुल्कों से तकरीबन इंपोर्ट करते हैं, हमारा इंपोर्ट का बिल इसका बढ़ता जा रहा है। मैं जो आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने आप को आप कह लें कि शिफ्ट करें फ्रॉम ब्लैक टी टू द ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ये हेल्थ के हवाले से ज़्यादा बेहतर है, और इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। फिर चाय में जो बुनियादी बात है, ये एंटी ऑक्सीडेंट होती है। एंटी ऑक्सीडेंट मतलब एंटी एजिंग, एंटी कैंसर। सो ये क्वालिटीज़ जो हैं ये ग्रीन टी में ज़्यादा बदरजा उत्तम पाई जाती हैं। लिहाजा हमारे पास इस वक्त आप कह लें कि हमारे यहाँ जो ये शुरू हुआ था प्रोसेस चाय को उगाने का, ये आप कह लें कि 1972 में शुरू हुआ, हमेशा फेल होता रहा। हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने इसको सक्सेसफुल किया है। इस वक्त यहाँ पे आप कह लें कि हम भी मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है। हमारे पास इसके लिए जो ज़मीन अवेलेबल है, जो ज़्यादा सूटेबल ज़मीन है, जो इसलिए ज़मीन, वो तकरीबन 1,58,000 एकड़ है। 1,58,000 एकड़ में कोई गुजारा आप कह लें कि जो एकड़ हैं गुजारा वाले एकड़ हैं, कुछ एकड़ जो गुजारा वाले वो एकड़ हैं कि जो लोगों की ज़मीन है जिस पे फॉरेस्ट वालों ने अपना फॉरेस्ट लगाए हुए, फॉरेस्ट काटने की इजाज़त नहीं है, उनको पैसे देते हैं, वो आपके लिए ठेका उनको देते हैं। दूसरी फॉरेस्ट की ज़मीन है, तीसरी प्राइवेट ज़मीन है। ये सारी ज़मीन मिलकर जो सूटेबल है 1,58,000 एकड़ है। एक ये चाय जो है इसकी तकरीबन 8 कटिंग होती है। 8 कटिंग, हर कटिंग जो है तकरीबन कोई 500 से 600 किलो एक कटिंग होती है। 500 से 600 किलो जब ड्राई होती है तो 150 किलो बनती है। तो इसका मतलब है तकरीबन 1 टन से 1.2 टन जो है ये पर एकड़ प्रोडक्शन है। अगर हम 1,58,000 एकड़ जो है इसको आप हम कन्वर्ट कर लें, आप कह रहे सारी चाय यहाँ उगाएं, तो हमारी जो 2 लाख टन के लगभग डिमांड है, 3 लाख की डिमांड है, उसमें से 2 लाख टन हम अपने लोकल रिसोर्सेज पूरी कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीन टी में 2 बड़ी सुपीरियर चाय हैं। एक आप कह लें कि आलिफ जो लीव्स हैं उनसे, और दूसरा थाइम, ये 2 बड़ी, तीसरा प्लम, ये 2-3 किस्म की ग्रीन टी जो है बड़ी सुपीरियर हैं। लिहाजा चूंकि हमारा जो आप कह लें आलिव है वो सारे पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत बड़ी इसकी ड्राइव चल रही है, लिहाजा उससे थाइम जो है जीबी गलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लिहाजा थाइम और इसका आलिव उसको मिला के, और ये जो टी जो इस इलाके में होती है ग्रीन टी जो चाइना वाली है, ये मिला के हम बड़ी कम्फर्टेबली हम 3 लाख टन चाय की डिमांड पूरी कर सकते हैं। सो मेरी गुजारिश यह है कि हुकूमत जा रही है बिग वे में चाय के, इस साल हम प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहे हैं जिसमें 25,000 एकड़ हम चाय लगाएंगे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं लगी। और टारगेट ये है कि हम इंशाल्लाह अगले 5 से 6 साल में इसको लगा लेंगे, आप कह लें 1,58,000 एकड़ को पूरे के पूरे को कवर करेंगे। एक तो हम इससे डिमांड पूरी करेंगे, दूसरा जो जिस तरह मैंने पहले बताया आलू वगैरह से। आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि ब्लैक टी से ग्रीन टी पर शिफ्ट हो जाएँ,
ग्रीन टी इज़, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टी। इस वक्त हम बड़ी महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ये जो चाय है जो पीछे आपको नज़र आ रही है, ये हमने पिछले साल 10,000 टन भेजी है जापान को। 10,000 टन जो जापान को भेजी है, ये आप कह लें कि ये श्रीलंका या यू कैन से दिस कीनिया या बाकी मुल्कों की जो चाय है उससे कुछ 4 से 5 गुना ज़्यादा महंगी बिकी है। हमारी इस वक्त भी अनलिमिटेड डिमांड है जापान से इस चाय की। जापानी ग्रीन टी के बड़े शौकीन हैं, उन्हें पता है कौन सी अच्छी है। वी हैव द क्वालिटी ऑफ द टी के जो जापानी 4 से 5 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं। गुजारिश आवाम से ये है कि हम बिग वे में टी में जा रहे हैं, आप अपने आप को ब्लैक टी से ग्रीन टी पे शिफ्ट करना शुरू करें। यह आपको लंबी उम्र देगी, सेहतमंद उम्र देगी, आपको कैंसर या बहुत सारी बीमारियों से आप कह रहे हैं दूर रखेगी, और सबसे ज़्यादा आपके बुढ़ापे को आपसे दूर रखेगी। थैंक यू।